हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चावला मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मुझे कैंडिडेट के पर्सनली मैसेज और कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट में कॉलेज में कितनी सीट्स खाली रही हैं। ठीक है, तो मैं कैटेगरी वाइज और स्ट्रीम वाइज सारे बताऊँगी कि कितनी सीट्स खाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज आता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समरी। ठीक है, तो ये है एचपी कोटा की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अनरिजर्व यूआर ओपन में मेडिकल में 3 सीट्स अभी भी खाली हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद, और नॉन मेडिकल में 8 हैं और आर्ट्स में 2 बची हैं, कॉमर्स में कोई भी सीट्स खाली नहीं है। और फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगी जिसमें मैं बताऊँगी कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है। एचपीयू की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि इतने नंबर तक आपकी कट ऑफ गई है, हर कॉलेज की बताई है। जैसे ये है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समरील, तो इसकी बताई है, टीचर एजुकेटर धर्मशाला की बताई है और हर कॉलेज की बताई है। वो आपको थोड़ी देर बाद एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर दूसरा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस ओपन, मेडिकल में 2 बची हैं अभी, नॉन मेडिकल में 2 और आर्ट्स कॉमर्स में कोई भी सीट्स नहीं बची है, यानी कि फुल हो गई हैं। फिर है ओबीसी की, ओबीसी ओपन में मेडिकल की कोई सीट्स नहीं बची है, नॉन मेडिकल में 3 है, आर्ट्स में कोई नहीं है, नॉन मेडिकल में कोई नहीं है। फिर है शेड्यूल कास्ट का, एससी ओपन में 1 बची मेडिकल की, 2 नॉन मेडिकल, आर्ट्स की फुल होगी, नॉन मेडिकल कॉमर्स की भी फुल हो गई हैं। फिर है शेड्यूल ट्राइब, एसटी ओपन मेडिकल में 1 बची है, नॉन मेडिकल में 1 बची है, आर्ट्स में 1 बची है, कॉमर्स में कोई भी नहीं बची है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज है A1 कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजा का बाग। ठीक, तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ ऐसे मैं एक एक बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो आप ऐसा करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको पढ़ना है वीडियो रोक के देख लो। ठीक है, ये है A1 कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजा का बाग। तो यहाँ पे ये देखो अनरिजर्व ओपन में, यहाँ पे आप अपने कैटेगरी और इसके हिसाब से देख लो स्ट्रीम, ये मेडिकल की, नॉन मेडिकल, आर्ट्स कॉमर्स की 31 सीट्स है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करिए आप देख ले। ये रहा कॉलेज A1 कॉलेज ऑफ राजा का बाग। नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे आता है, ये है आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लो आप कितनी सीट्स बची हैं। फिर नेक्स्ट कॉलेज ये है आस्था कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये है आपका कॉलेज डिस्ट्रिक्ट सोलन में। फिर नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे आता है अवस्थी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये है धर्मशाला में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे देखते हैं, ये रहेगा आपका BKD कॉलेज ऑफ वीमेन पोंटा साहिब, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर HP। नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे आता है आपका बुशेर BEd इंस्टीट्यूट पोस्ट ऑफ नोगली, रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला HP। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे आता है आपका चंबा मिलेनियम BEd कॉलेज। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका DAV कॉलेज दौलतपुर चौक, डिस्ट्रिक्ट ऊना HP। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे आता है द्वारका दास मेमोरियल साईं कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, विलेज कलर, तो ये नदौड़ में है, पोस्ट ऑफिस जिलाड़ी, तहसील नदौड़, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, पिन कोड 1772। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय BEd कॉलेज एजुकेशन, मेहर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है यहाँ पे दून इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजवन पोंटा साहिब में। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी जिसमें मैं बताऊँगी कितनी कट ऑफ गई है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के, एक एक कॉलेज की एक कैटेगरी वाइज स्ट्रीम वाइज जिन्होंने बताई है, तो उसके बाद ही आप जो है वो काउंसलिंग भरिएगा। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ, ये है रैत में शाहपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे रहता है ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट बैचलर एजुकेशन NH रोड, तो ये है इच्छी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे रहता है भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। फिर नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे आता है HP कॉलेज एजुकेशन मोजा, ये शिमला में है। नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे आता है हमीरपुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, रामनगर चोला हमीरपुर में है ये कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज है हिम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन
पोंडा तहसील निचर तहसील किन्नौर में। नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे आता है हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नालागढ़ में है ये। नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे आता है हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये है सोलन में। ठीक है, आप अपनी सीट भी देख लीजिए कैटेगरी वाइज और स्ट्रीम भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट कॉलेज आपका आता है हिमाचल प्रदेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन कालांब, ये सिरमौर में है। नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये शिमला में है। नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे आता है जनक राज महाजन बीएड कॉलेज गंगत, ये है नूरपुर में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट कॉलेज है जुपिटर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे कांता कॉलेज ऑफ एजुकेशन चलवाड़ा में है ये। नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे आता है केएलवी डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स पालनपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे आता है क्षत्रिय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये है काठगढ़ रोड नदौन में और डिस्ट्रिक्ट ये रहेगा कांगड़ा। नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे आता है एलआर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे आता है लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अर्की सोलन में रहेगा ये कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे है लोरेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये रहेगा शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे आता है आपका, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दे। नेक्स्ट कॉलेज है मिनेरवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये कांगड़ा में रहेगा। फिर नेक्स्ट कॉलेज है मॉडर्न इंस्टीट्यूट कॉलेज, ये रहेगा शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है नालंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। नेक्स्ट कॉलेज है प्रियदर्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नेक्स्ट कॉलेज है आपका फिर राज राजेश्वरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे आता है आरसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनोट, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट कॉलेज है आपका सर्वपल्ली राधा कृष्ण, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ठीक है, और फ्रेंड जैसे आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेनी है सीट्स देखनी है आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक के आप देख लो कितनी सीट्स बची हैं। फिर है नेक्स्ट कॉलेज शांतियाल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल, ये रहेगा शिमला में। नेक्स्ट कॉलेज है फिर आपका शांति कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट ऊना में। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है शांति निकेतन कॉलेज, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। नेक्स्ट कॉलेज है फिर आपका यहाँ पे शरण कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ फॉर वीमेन, ये रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। फिर नेक्स्ट गुरकड़ी। नेक्स्ट कॉलेज है शिक्षा भारती बीएड कॉलेज, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट ऊना में। नेक्स्ट कॉलेज है शिमला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शीतल कुंज, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। नेक्स्ट कॉलेज है फिर शिव शक्ति कॉलेज, तो ये रहेगा सिरमौर में, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। फिर नेक्स्ट कॉलेज है आपका शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश में ये। नेक्स्ट है एस अवीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। नेक्स्ट कॉलेज है फिर SVST कॉलेज ऑफ, तो ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट ऊना में। नेक्स्ट कॉलेज है फिर यहाँ पे तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिल्लेज बस, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में रहेगा, बिल्लेज बासा है। नेक्स्ट है फिर ठाकुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे देखते हैं आशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। नेक्स्ट कॉलेज है फिर आपके सामने यहाँ पे बैद शंकरलाल मेमोरियल कॉलेज, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे देखते हैं, ये रहेगा आपका नेक्स्ट कॉलेज वैष्णो कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे देखते हैं, ये है वेंकटेश्वर शिक्षा समिति, ठीक है, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट सोलन में। फिर नेक्स्ट कॉलेज आपका यहाँ पे आता है विजय वल्लभ कॉलेज ऑफ एजुकेशन नदौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। ठीक है, तो इसमें जो भी कॉलेज थे जिसमें सीट्स खाली बची हैं मैंने सभी का बता दिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको थोड़ी देर बाद और देखने को मिल जाएगी जिसमें ये होगा कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है कैटेगरी वाइज स्ट्रीम वाइज हर कॉलेज की बताऊंगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, जल्दी मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इसी वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत।